तो एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। देखो दिन कितना प्यारा निकला हुआ है, नहा धोकर मैं रेडी हूँ, 11 बज रहे हैं और 11:30 बजे ये बस रवाना होगी, तो मैं बस में चढ़ जाता हूँ और सफ़र की शुरुआत करते ही मैं आप लोगों को आगे के डिटेल्स बताऊँगा कि मैं किस जगह विजिट पर जा रहा हूँ। तो ये भाई साहब हंसते हुए मुझसे बातें करते हुए ड्राइवर साहब रिक्वेस्ट पर मुझे आगे की सीट उन्होंने दी है, तो मैं मोबाइल अपना ऑन करके शूट कर रहा और साथ में उनसे संवाद भी कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस है बट ठीक है। अपने कंडक्टर भाई साहब मुस्लिम है तो मैंने उनको यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ के हिस्ट्री कल्चर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताना चालू कर दिया मुझे। तो उन्होंने बताया कि ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट का तालुका पड़ता है कुंदपुरा, वहाँ पर एक कमला शिले नाम का विलेज है, तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो इस जगह से आप शुरुआत करते हैं अपने 35 किलोमीटर दूर सफ़र की। तो साथ में कंडक्टर और ड्राइवर के साथ भी मेरा संवाद चालू है और मोबाइल में शूटिंग भी चालू है। तो ये एरिया पड़ता है सह्याद्री रेंज में पहाड़ों की और बहुत ही ब्यूटीफुल इलाका है, जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ी रास्ते, और यहाँ पर रबर के बागान हैं पेड़ों के, यहाँ पर नारियल के बागान है, यहाँ पर सुपारी बीटल नट के बागान है, और नज़ारे बहुत ही प्यारे, घरें बहुत खूबसूरती से बनाई गई है और ऐसा लगता है कि अनटच्ड नेचर है, मतलब प्राकृतिक रूप से ये सब बहुत ही वर्जिन है, सुंदर है, कोई यहाँ ह्यूमंस लोग का अतिक्रमण नहीं है। तो इस जगह पे मैं जा रहा हूँ, कमला शिले विलेज है, तो उसकी कथा रोचक है, मुझे ड्राइवर साहब ने बताना शुरू कर दिया। बोले कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में इस मंदिर जो जीर्ण अवस्था में था इसका पुनर्निर्माण कराया गया और यहाँ पर दुर्गा परमेश्वरी पार्वती देवी लिंग रूप में विराजमान है इस जगह पर, इस स्थान पर कमला शिले विलेज में। तो इसकी कथा उन्होंने बताई कि एक नृत्यिका थी जो हिमालय में शिव पार्वती के दरबार में नाचा करती थी, तो उसको अपनी सुंदरता पर गर्व हो गया, तो पार्वती माता ने उसे शापित कर दिया कि तू सबसे बदसूरत औरत बन जाएगी, जब उसने दरबार में नाचने से मना कर दिया। तो इस प्रकार उसने जब अपने गलती का एहसास हुआ, माफ़ी मांगी, तो पार्वती माता ने उसे कहा कि तू भूलोक पे जा, धरती लोक पे, और इसी जगह पर जाके कमला शिला के पहाड़ियों की गुफाओं में तपस्या कर, मैं अवतरित होने वाली हूँ धरती पे दानों का वध करने के लिए, तो मैं तुझसे भी मिलूँगी और तुझे श्राप मुक्त करूँगी। तो हम आ चुके, देखो नज़ारों को देखो कितना ब्यूटीफुल है, और मैं कमला शिले विलेज में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बस रुकेगी हमारी और यही बस हमको रिटर्न भी लेके जाएगी, तो हमारे पास 3 घंटे इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, और बहुत ही प्यारा इलाका है देखने में खूबसूरती के साथ। तो मैं बस से उतर चुका हूँ और अब मैं आगे जाके एक्सप्लोर करता हूँ। बस से उतरते ही मैं अपना पैदल सफ़र शुरू कर दिया हूँ नज़ारों को एक्सप्लोर करते हुए। पूरा पहाड़ी इलाका है और ऊपर कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊपर गुफाएँ हैं जहाँ पर पार्वती माता ने उस मृतिका को दर्शन दिए थे लिंग रूप में अवतरित होकर। तो यहाँ पर ये कमला शिला जो कि दुर्गा परमेश्वरी नाम से यहाँ पर मंदिर है, प्राचीन प्रख्यात है, और ये कुब्जा नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ से कुब्जा नदी बहती है और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। तो अब मैं अंदर जाऊँगा, दर्शन लूँगा, और पहले मैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए नदी को, यहाँ पर मैंने पैर धो लिए पानी से, पानी बहुत ही स्वच्छ साफ़ है, इतना मछलियाँ तक दिखाई देती है कुब्जा नदी के पानी में, और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। तो मैं अब मंदिर की तरफ बढ़ता हूँ, अपने पैर धो लिए हाथ मैंने, और देखो नज़ारों को देखो, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है, पूरा जंगल का पूरा हरियाली पानी में उतर चुकी है, पानी पूरा हरा दिख रहा है, और ये पुल बना हुआ है नदी पर, और ये कुब्जा नदी पूरे नॉर्थ कर्नाटक उडुपी डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। तो ये मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मैं भी रिस्पेक्ट करते हुए, और मंदिर के अंदर मेल लोगों को, पुरुषों को बिना ऊपर का वस्त्र धारण किए जाना होता है, तो मैं सोच में पड़ गया 10 मिनट, पर मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने अपना टी शर्ट उतार लिया अपने कंधे पर लपेट कर, अंदर जैसे ही गया तो आरती शुरू हुई, कपाट मंदिर के खुल चुके और मुझे सामने से एकदम आरती का दर्शन हुआ और लाभ मिला। तो मेरा नसीब हर जगह पर अच्छा ही होता है। तो दर्शन लेने के बाद मैं ये कम्युनल हॉल में पीछे आश्रम की बिल्डिंग में आया हूँ, यहाँ पर भोजन शुरू होगा, 2 से 3 का टाइम है भोजन का यहाँ पर। तो मैं बालकनी से नदी के नज़ारों को देखते हुए, खूबसूरत प्यारा मौसम है, बरसात नहीं हो रही आज, और यहाँ पे 500 लोगों के लिए अरेंजमेंट है, एक साथ बैठकर उनको प्रसादम दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो मेरे लिए भी थाली लग चुकी है और लोगों का आना चालू हो गया, लगभग 200-250 लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले पानी दिया जा रहा है और खाना बहुत ही सात्विक सादा, नो स्पाइसी है, और मैं उतना ही लूँगा जितना मुझे खाना है, क्योंकि प्रसादम है तो इसे वेस्ट नहीं कर सकता मैं,
और खाना बड़े ही प्यार से शालीनता से परोसा जा रहा है। आपको कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, बट आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि भोजन है, इसका आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक एक करके सामग्री आते हुए भोजन की खाने की, और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, टेम्पटिंग। तो मैं रुका हुआ कि कब पूरा खाना परोस दिया जाएगा और मैं खाऊंगा। तो अब राइस डाल दिया फाइनली, और इस पे उन्होंने रसम डाल दिया है, और तीन प्रकार के स्वीट्स भी उन्होंने दिए खाने को, खीर और ड्राई सब। तो आओ मेरे साथ खाओ। प्रसादम ग्रहण करके मैं प्रसादम की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के बालकनी से आ चुका हूँ बाहर, और ये थोड़ा मैं नज़ारों को देखते हुए मोबाइल से जूम किया। ये कमलाशिला देवी का जो मंदिर है, परमेश्वरी का, उसका शिखर है, स्वर्ण का बना हुआ, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वैदिक कालीन। तो बस यहाँ पर नज़ारों को देखते हुए, और आज का दिन भी बहुत प्यारा है, बादल ज़रा भी नहीं है मानसून के मौसम में। और ये देखो नदी के तट पर ही पूरा मंदिर एरिया है, और गांव है कमलाशिला, और बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत सिंपल लाइफ है, विलेज लाइफ, कोई तामझाम नहीं, ज़्यादा टूरिस्टों का भी भीड़ भड़क्का नहीं है यहाँ पर। और ये मैं कुब्जा नदी पर आ चुका हूँ पुल पर, और यहाँ से मैं नज़ारों को देखते हुए, और पानी तो ऐसे लग रहा है देख कर कि अभी मानो इसे निकाल कर मैं पी लूँ, इतना स्वच्छ साफ पानी है, और पूरी हरियाली उतरी हुई है पानी में एकदम क्लीन, और मछलियाँ तैरते हुए। और यह देखो पीछे वो भोजनालय की जो पीछे बिल्डिंग सबसे दिख रही है ऊंची, वो है, और ये आगे मंदिर का मेन मंदिर है, और यहाँ पर होड़ियाँ भी रखी हुई, नावें भी, और ये सामने जो मंदिर को लगकर दरवाज़ा दिख रहा है। तो कुब्जा नदी साल में एक बार अंदर तक प्रवाहित होती है बाढ़ के रूप में, और मंदिर के गर्भ में जाती है और पूरी मूर्ति अपने में समा लेती है, और फिर वापस उतर जाती है पार्वती माता के कहे अनुसार, ये आशीर्वाद है, तो ऐसी मान्यता है। तो मुझे प्रॉपर स्टोरी तो नहीं पता, थोड़ा थोड़ा इससे उससे सुनकर जानकर मैं बताता हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का बुरा ना माने कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे। मुझे जितना पता चला मैं आप लोगों के साथ उतनी कहानियाँ किससे शेयर कर रहा हूँ। तो ये वापस रवानगी करते हुए, बारिश होने लग गई अब, और मैं लकी था कि पूरे सफ़र में बारिश ने आई तक नहीं, और अब आ रही है। तो मैं अब कुंदपुरा की तरफ लौटते हुए नज़ारों के साथ, नारियल के पेड़ कितने प्यारे लग रहे, दरख्त खूबसूरत, और रोड भी देखो बादल छाए हुए आसमान पर, और वही हमारा ड्राइवर है, और ये मैं कुंदपुरा पर आ चुका हूँ, तो अब यहाँ से उतरता हूँ। तो आज मेरा संडे का दिन बहुत ही प्यारा गया, तो आप लोग भी आओ, इस जगह को विजिट करो और मेरे साथ बने रहो।